बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो टॉपिक सीखेंगे वो है फाइंडिंग क्वांटिटी इफ परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी पार्ट ऑफ टोटल इज गिवन। मतलब क्या है इसका, हम क्वांटिटी मालूम करना सीखेंगे, कौन सी टोटल क्वांटिटी, जबकि परसेंटेज हमें जो दी हुई होगी वो उस टोटल अमाउंट का किसी पार्ट की जो है ना परसेंटेज दी हुई होगी और वो उसकी क्वांटिटी भी बताई होगी। मसलन मैं इसको इस तरह समझाऊं कि आप इस तरह समझें इसे कि अगर जो है फ़र्ज करें ये एक क्वांटिटी है, सही है, और इसके मैं चार हिस्से करूं तो ये हिस्सा जो है ये बनता है 25%, हिस्सा बनता है 25%, और हमें ये बता दिया जाए कि ये जो 25% है ना ये तो परसेंटेज के फॉर्म में, इसकी जो असल क्वांटिटी ये जो 25% ये हिस्सा है ये बराबर है 50 के, तो इसका मतलब ये टोटल कितना होगा, यानी टोटल 100% जो है वो कितनी क्वांटिटी बनेगी, ये है इसका मतलब। अब सवाल इसमें इस तरह दिया हुआ होता है कि इसमें लिखा हुआ होता है जैसे फाइंड द क्वांटिटी इफ 75% ऑफ इट इज 123। आपसे कह रहे हैं क्वांटिटी आपने मालूम करना है, यानी टोटल क्वांटिटी, यहाँ पर मत बात कर रहे हैं टोटल जो मुकम्मल अमाउंट है वो आपने मालूम करना है, जबकि उस क्वांटिटी का जो 75% है 75% है वो कितना बनता है 123 बनता है। तो इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं, वो ये कि भाई ये क्वांटिटी है, मुकम्मल क्वांटिटी है, इसका 75% यानी कि ये बन गया 75%, परसेंटेज की फॉर्म में ये है 75%, लेकिन क्वांटिटी कितनी है, ये क्वांटिटी है 123। तो हमें बताना है कि ये जो टोटल क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि जो जुमला है ना 75% ऑफ इट इज 123, तो हम इसको लिखेंगे 75% ऑफ अ क्वांटिटी, यहाँ क्या मुराद है अ क्वांटिटी से, ये टोटल क्वांटिटी से मुराद है, ऑफ अ क्वांटिटी इज 123। ऑफ इट की जगह मैंने क्या लिख दिया, ऑफ क्वांटिटी लिख दिया। अब इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ये 75% है तो इसको आप लिखें 75/100, ये है ऑफ, ऑफ को किससे रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन से। अ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी हमें नहीं मालूम कि किस क्वांटिटी का 75% 123 बनता है, तो इस क्वांटिटी की जगह हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ एक्स, इज की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, इक्वालिटी, इज़ इक्वल टू 123, तो इक्वालिटी का साइन इसकी जगह इस्तेमाल हो जाएगा और 123। तो देखें ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन का बन गई है। अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करना है, तो इस 100 जो कि इसको डिवाइड कर रहा है 75 को, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा, और ये 75 x से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हम जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, ये 100 और 75 सिंप्लीफाई हो जाएगा, 25 3 75 25 4 100। अब 123 और 3 क्या एक दूसरे के टेबल में जाते हैं, तो मुझे देखना है क्या 123 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो मैं इसके डिजिट्स को जमा करके देख लेता हूँ, 1 + 2 3 + 3 6 आता है 3 के टेबल में, बिल्कुल आता है, इसका मतलब 123 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 3 3 4 12 3 1 3, तो ये बन गया 41 और यहाँ है 4, 41 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 4 4 4 16, ये बन गया 164। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम 164 का 75% मालूम करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा 123। और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, लिखा हुआ है 15% ऑफ अ क्वांटिटी इज 210, एक क्वांटिटी है उसका 15% जो है वो 210 है, तो अब हमें बताना है कि वो क्वांटिटी क्या होगी। तब देखिए यहाँ पर ये जो जुमला लिखा हुआ है ऑफ अ क्वांटिटी, तो हम क्या करेंगे, इस जुमले को लिखते हैं 15%
ऑफ अ क्वांटिटी, अ क्वांटिटी से क्या मुराद है हमारी, जो हमारी टोटल अमाउंट है, इज इक्वल टू 210. इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 15% को हम लिखेंगे 15/100. ऑफ की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, क्वांटिटी की जगह हम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, आप चाहें क्यू यूज कर लें, इज की जगह इज इक्वल टू का निशान लगेगा और 210. अब हमने ये क्वांटिटी जिसको हम क्यू से जाहिर कर रहे हैं ये मालूम करना है, तो 210, अभी 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 15 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो देखें भाई, 15 और 100 सिंप्लीफाई हो सकते हैं 5 से, 5 3 15, 5 20 100, 3 और 210. अब देखें 210 को 3 से डिवाइड देखना है तो वैसे ही नज़र आ रहा है कि ये 21 आपको नज़र आ रहा है, आखिर में 0 है, तो इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 1 3, 3 7 21 और 3 0 0, तो ये आपके पास आ गया 70 times 20. तो 70 को 20 से मल्टीप्लाई करना है. देखिए क्या करेंगे आप, कि अगर ऐसे नंबर जिनके आखिर में जीरोज आते हैं तो आप इन डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 14, और ये ज़ीरो काउंट करें, 1 2, दो ज़ीरो लगा दें, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 1400. वो क्वांटिटी क्या हो गई, 1400. इसका अगर आप 15% निकालेंगे तो जवाब 210 आएगा. अगला सवाल देखते हैं. अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं, राशिदा पेज 5% ऑफ हर सैलरी इन चैरिटी एवरी मंथ, इफ शी पेज 200 rupees, फाइंड हर सैलरी. आपसे कह रहे हैं कि राशिदा जो है वो अपनी सैलरी का 5% जो है वो चैरिटी में यानी कि खैरात कर देती है, फलाई कामों में लगा देती है हर महीने. अब उन्होंने ये बताया कि अगर वो 200 रुपये पे करती है चैरिटी, यानी 200 रुपये अदा करती है, तो उसकी सैलरी क्या है. तो ये ऐसे ही है जैसे ये उसके अप्रोच करें, ये उसकी सैलरी की अमाउंट है, उसका 5% जो है ना वो लगा देती है किस में, चैरिटी में. और ये 5% जो है ये बनता है इतना 200. तो हमें बताना है कि इसकी ये पूरी सैलरी कितनी है, तो हम क्या लिखेंगे, 5% ऑफ हर सैलरी, उसकी सैलरी का 5%. ये जुमला यहीं से उठा लिया, 5% ऑफ हर सैलरी इज ना उसको देती है, इफ शी पेज 200 कन्वर्ट कर दीजिए, 5% को आप लिख दें 5/100, ऑफ को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दें हर सैलरी. अब उसकी सैलरी क्या है, तो हम सैलरी को एस से जाहिर कर देते हैं, ठीक है, इसकी जगह इक्वालिटी का साइन, फिर 200. अभी 100 यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा और 5 जो है वो डिवाइड हो जाएगा. अब 5 1 5, 5 20 100, नीचे 1 आ गया. अब 200 को 20 से अपने मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, और 0 काउंट कीजिए 2, और ये 3, ये 3 जीरोस लगा दीजिए, ये बन जाएगा 4000 rupees. राशिदा की सैलरी कितनी है, देयरफॉर राशिदा सैलरी इज 4000 rupees. Thank you.